नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूं आपकी दोस्त खुशबू। रामायण की ताबड़तोड़ टीआरपी के बाद महाभारत का रिपीट टेलीकास्ट शुरू किया गया। महाभारत के किरदार और इन्हें निभाने वाले कलाकार एक बार फिर से चर्चा में हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत में गांधारी का किरदार निभाने वाली रेणुका इसरानी के बारे में। रेणुका ने महाभारत में गांधारी का रोल करने से पहले टीवी शो हम लोग में भी काम किया था। हालांकि उन्हें वास्तविक पहचान मिली गांधारी के किरदार से। शो में हालांकि रेणुका आंखों पर पट्टी बांधे नजर आती थी, लेकिन लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने महाभारत में काम किया तब रेणुका महज 22 साल की थी। रेणुका उस दौर में खुद को एक्टिंग के क्षेत्र में साबित करना चाहती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में माना था कि महाभारत में उन्हें वो मुकाम दिलाया जिसकी वे हमेशा से तलाश में थी। रेणुका राजस्थान की राजधानी जयपुर के महारानी कॉलेज से पढ़ी हैं और कम ही लोग ये बात जानते हैं कि वे ऑलराउंडर गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। दिल्ली में थिएटर करते वक्त भी रेणुका ने कई अवार्ड जीते थे। महाभारत में उन्होंने पहली बार गांधारी का किरदार नहीं किया था। इससे पहले उन्होंने मणिपुरी स्टाइल में अंधाधुन नाम का प्ले किया था जिसमें वह गांधारी का किरदार निभा चुकी थी। यही वजह थी कि वह अपने किरदार को अच्छी तरह जानती थी। आंखों पर जब पट्टी बांधी तो उस वक्त चेहरे के हाव भाव को जाहिर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में रेणुका का साफ कहना है कि ये किरदार उनके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्हें खुशी थी कि उन्हें महज 22 साल की उम्र में ये किरदार मिल गया। रेणुका टीवी शो बड़े अच्छे लगते हैं में भी नजर आ चुकी हैं। इस शो की शूटिंग के दौरान उनकी साक्षी तंवर से काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। फिलहाल तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको महाभारत की गांधारी यानी कि रेणुका इसरानी का ये लुक कैसा लगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।